तो हेलो गाइस, कैसे हो? सो आई होप कि आप सब बढ़े होंगे। तो मैं इस वीडियो में भी बात करें अपने फ्री फायर की आपको वेपन रॉयल और डायमंड रॉयल की, कि आपको जो है इस बार वेपन रॉयल के अंदर कौन सा स्किन देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपको जो है इस बार डायमंड रॉयल के अंदर कौन से जो है मेल एंड फीमेल की कॉस्ट्यूम देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। और उसके अलावा मैं बात करेंगे फ्री फायर की उस नॉर्मल अपडेट की, जो कि मैं आपको इस वीडियो में पूरा कवर करके बताने वाला हूँ। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, यहाँ से बेल आइकन जो ऑल पर सेट करना मत भूलना, क्योंकि फ्री फायर रेट सारी अपकमिंग न्यूज़ और अपडेट की वीडियो जो है मेरे चैनल पर आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू लेते हैं। तो गाइस, यहां पे सबसे पहले शुरुआत करेंगे कुछ नॉर्मल अपडेट की, उसके बाद हम बात करेंगे अपने वेपन रॉयल और डायमंड रॉयल की, ठीक है। तो गाइस, अगर आप लोग जो अपने इवेंट सेक्शन में आ जाओगे तो यहां पे आपको जो न्यूज की सेक्शन में जो यहां पे M82B गन का एक नोटिस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो गाइस, फिलहाल बात की होती गाइस, यहां पे जो है परसों एक नोटिस निकल कर आया था कि जो अपना M82B का स्किन है जो अपना ग्लोअल के आर पर मारता है, तो गाइस वो जो सिस्टम है वो ये लोग यहां पे बंद करने वाले। बट गाइस, उसके ही कुछ 3-4 घंटे बाद जो है इन लोगों ने कुछ इसके अंदर चेंजेस कर दिए, और यहां पे इन लोगों ने जो कुछ इसके अंदर चेंजेस किए जो कि मैं आपको अभी बता रहा हूं, ठीक है। तो इन्होंने पहले बोला था कि जो ग्लोअल के आर पर का जो डैमेज है वो लोग हम लोग यहाँ पे बंद करने वाले, और यहाँ पे जो है एक ग्लिच था, ठीक है। तो यहाँ पे फ्री फायर जो इसको ग्लिच बोल के यहाँ पे जो मतलब बोल रहा था, बट यहाँ पे जो है उन लोगों ने ऑफिशियली जब लॉन्च गन हुआ था उसी ने बोला था कि ग्लोअल के आर पर मारेगी। पता नहीं इनके क्या सस्ते नशे थे, बट फिलहाल जो इन्होंने जो एडिट किया तो गाइस इन्होंने बोला जो ग्लोअल के आर पर जो मारने का सिस्टम है वही रहेगा। बट अगर आपको याद होगा M82B एक ऐसी गन है जिसके अंदर जो बहुत ज्यादा फायरिंग का मतलब डैमेज का ग्लिच होता है, आप कितना भी बंदे को मारो जो यहाँ पे बंदे को डैमेज नहीं पड़ता है, फिर हेडशॉट मारो ग्लोअल के आर पर तो नहीं पड़ता है। तो इन लोगों ने क्या किया, अभी सिर्फ M82B गन के ऊपर यहाँ पे जो है मतलब वर्क करना शुरू कर दिया, इसलिए जो इन लोगों ने जो M82B की स्किन है गाइस वो यहाँ पे गेम से हटा दी, ठीक है। तो जैसे ये गन के जो ग्लिचेस है मतलब डैमेज का ग्लिच जो फिक्स हो जाएगा उसके बाद जो गेम के अंदर ऐड हो जाएगी, जो कि मैं आपको जो है अपडेट दे दूंगा कि कब तक यहाँ पे ऐड होने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे लोग देख लो, कुछ ये था M82B का पूरा सीन जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करेंगे अपने यहाँ पे वेपन रॉयल की। तो फिलहाल जो अपने वेपन रॉयल के अंदर AN94 का जो स्किन चल रहा है, तो गाइस उसके बाद हम कौन सा स्किन है वो मैं आपको बता रहा, ठीक है। तो यहाँ पे जो दो पॉसिबिलिटी निकल कर आते हैं जिसके अंदर गाइस आपसे जो है स्ट्रीट फाइटर के कोलैबोरेशन के ऊपर जो वेपन रॉयल देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर गाइस आपसे को MP5 का स्किन दिया जा रहा है। उसके अलावा अगर ये नहीं है तो गाइस आपसे जो एक उड़पीकर का स्किन जो यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। तो मैं आपको दोनों के भी यहाँ पे रिव्यूज और एट्रीब्यूट बताऊंगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे स्ट्रीट फाइटर की MP5 से। तो जैसे आप लोग अपनी स्क्रीन जो है रिव्यू देख पा रहे हो, तो यहाँ पे जो गन स्किन है गाइस बाहर के सर में कुछ वेब इवेंट्स में और कुछ सर में यहाँ पे जो है वेपन रॉयल में अवेलेबल करा दी गई है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसके एट्रीब्यूट की, तो इसके अंदर जो है आपसे को मिलेगा डबल डैमेज, सिंगल रेंज और सिंगल रिलोड स्पीड माइनस, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो डैमेज मतलब जो इसके एट्रीब्यूट्स यहाँ पे एवरेज है, इतने भी खास नहीं है, आप सबको कैसे लिए कॉमेंट सेक्शन में जरूर बोल देना, ठीक है। तो फिलहाल जो यहाँ पे अपने वेपन रॉयल के लिए 11 दिन बचे, मेरे को तो नहीं लगता कि आपको जो वेपन रॉयल के अंदर MP5 देखने को मिल जाएगी। अगर देखने को मिलेगी तो गाइस आपको जो है जो अपने जैसे अभी यहाँ पे आप लोग देख लो अपना जो रैम्पेज एस्केलेशन आया हुआ है उसी तरह का आप सब यहाँ पे स्ट्रीट फाइटर एस्केलेशन इवेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लोग देख लो, ये तो बात अपने पहले पॉसिबिलिटीज की। अगर बात करें दूसरी पॉसिबिलिटीज जो कि उन्होंने उड़पीकर, तो गाइस जैसे आप लोग अपनी स्क्रीन पे उड़पीकर का जो यहाँ पे पूरा रिव्यू देख पा, तो इस तरह से आप सब मुझे उड़पीकर गन देखने को मिलने वाली है। तो अगर बात करें इसकी पॉसिबिलिटीज़ की, तो ये जो है कुछ सर्वर में यहाँ पे जो है वेब इवेंट्स में और कुछ सर्वर में यहाँ पे फेयर ड्यूल में अवेलेबल करा दी गई है। बट अपने इंडियन सर्वर के अंदर अगर MP5 नहीं आती, तो गाइस आपसे मुझे ये उड़पीकर का स्किन देखने को मिल जाएगा। तो अगर बात करें इसके एट्रीब्यूट की, तो इसके अंदर आपसे मिलेगा डबल रेंज, सिंगल आर्मर पेनिट्रेशन और यहाँ पे सिंगल मैगजीन माइनस। तो गाइस आपसे वो दोनों गन स्किन कैसी लगी और आपकी क्या ओपिनियन है कि कौन सी गन जो है अपने को वेपन रॉयल के अंदर देखने को मिलने वाली, कमेंट में मुझे जरूर बोल देना। तो उसके बाद आते हैं अपने डायमंड रॉयल के ऊपर। तो अभी मैं आपको यहाँ पे जो डायमंड रॉयल की कंफर्म मंडल दिखा रहा हूँ कि आपको जो है कौन से मंडल देखने को मिलने वाले, और गाइस अपना जो है 4 दिन बाद जो नया डायमंड रॉयल आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे रिव्यू से। तो जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख पाओगे सबसे पहले मेल के बंडल का रिव्यू, तो गाइस आपको जो है कुछ इस तरह से गाइस व्हाइट कलर की जो यहाँ पे मेल के बंडल जो है आप सभी को वेपन रॉयल के अंदर देखते हो मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लोग देख लो, तो गाइस यहाँ पे लोग देख लो गाइस यहाँ पे आपको जो 4 सेट का बंडल देखने को मिलता है, जिसमें टॉप, बॉटम, शूज और यहाँ पे हेयर स्टाइल आप सभी को देखने को मिल जाती है। तो आप सबको मेल का बंडल कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बोल देना। तो उसके बाद आते हैं फीमेल का बंडल का रिव्यू। तो गाइस फीमेल का बंडल जो काफी ज्यादा अच्छा लगा है मेरे को पहले के मुकाबले, मतलब जितने पहले बंडल उसके मुकाबले थोड़ा सा अच्छा लगा हुआ है, आपको कैसा लगा कमेंट जरूर बोल देना। तो गाइस ये रही अपनी आज की वीडियो। तो अगली वीडियो में यहाँ पे कवर करने अपने अपकमिंग वेब इवेंट, तो जहाँ पे जो कुछ प्री एक्सेस निकल कर आ चुके वेब इवेंट के, जो कि मैं आपको कल वाली वीडियो में बताने लगा। गाइस आप सभी को कौन से टॉपिक पे और वीडियो चाहिए कमेंट में जरूर मैं आप सभी को यहाँ पे बना के दे दूंगा। तो गाइस होप आपको आज की वीडियो पसंद आ चुका होगा, वीडियो पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब करो, याद से बेल आइकन जो ऑल पर सेट करना मत भूलना। तो जैसे मिलते हैं वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।